ना। आज हम आपको दिखाते हैं उड्डो बीच, जिसके बारे में शायद ही आपको पता हो के बारे में ज्यादा लोग जानने नहीं चाहिए। रोड के बीचों बीच समंदर के किनारे, सकता है पीछे से वेव आके मेरे को गीला कर दे जैसे अभी बता रही हो यार। सो दिन की शुरुआत हो रही है बारिश के साथ। वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। आज भी मौसम बड़ा ही बारिश जैसा है। वैसे सुबह से आज बहुत बारिश हो रही है, थोड़ी देर अभी थमी है, हम बाहर निकल रहे हैं। आज मैंने कार कल रात को बाहर पार्क की थी क्योंकि मुझे लगा अंदर वहाँ पे पेड़ के नीचे कहीं नारियल बारियल ना गिर जाए। जैसे मैं बाहर लेके आया मैंने रियलाइज़ किया यार ऊपर यहाँ पे भी तो पेड़ है और यहाँ से भी गिर ही सकता है, तो ये एक चीज़ है थोड़ी सी रिस्की। तो आज लगता है वापस अंदर ही पार्क करूँगा। हैं सैंडी, अभी कल से बहुत बारिश पड़ी रही है। मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे अलग अलग टाइप के कीड़े बड़े आते हैं बारिश में, कार के ऊपर भी आप देखेंगे। अभी हम जाएंगे उड्डो बीच। हाँ जी, उड्डो बीच जो सियोलिम में है, हमारे घर से 2 किलोमीटर दूर है। सरप्राइजिंग आज तक हमने कभी देखा ही नहीं है, तो आज हमने सोचा यार चलो बागा कैलनगुड़ वागा तो और मौजे मारम्बोल ये तो सभी जाते हैं। ये एक ऐसा बीच है जो उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं होती, तो होपफुली भीड़ भी नहीं होगी, तो ये प्राइवेटली हमारा ही हो जाएगा। मुझे कल पता चला। आपको भी कल पता चला ना? उड्डो बीच या उड्डो, व्हाट्स द प्रोनंसिएशन? पता नहीं, आई थिंक उड्डो बोलते हैं। बाद में कुछ गलत रहा तो कोई नहीं, आपको समझ में तो आ गया कौन सा है। बीच से लगभग 3-4 मिनट पहले ये जगह आती है और ये जगह भी बहुत खूबसूरत है। यहाँ से राइट में मंदिर भी बहुत पास है और लेफ्ट में एक और रास्ता जाता है जहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे व्यूज़ हैं, लेकिन फ़िलहाल अभी तो हम बीच की तरफ चलते हैं। जैसे अभी सामने से कार आ रही है तो रास्ता बहुत नैरो है, तो मैं यहीं पे रुक गया ताकि कार और मैं आराम से धीरे धीरे एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेटेड तरीके से आगे निकल जाएं। तो देख सकते हैं हम लेन्स थोड़ी सी नैरो हैं, तो कोई सामने से कार आ जाती है तो फिर थोड़ा पीछे लेना पड़ता है, थोड़ा साइड में लेना पड़ता है, बट रास्ते अच्छे हैं, खड्डे नहीं हैं वहाँ तक। आई एम वेरी वेरी हैप्पी। अगर खड्डे आ जाएं तो मुझे थोड़ा टेंशन हो जाता है, बस आगे पीछे करना साइड करना चलो ये सब तो ठीक है। अब जैसे देख रहे हैं आप ये कितनी नैरो सी लेन है, तो अगर सामने से कोई आ जाएगा तो फिर इस पॉइंट तक हमको आके दोनों को मैनेज करना पड़ेगा, बट सो फार सो गुड। ऐसा लगा अंदर आ जाएगा ना। सनसेट बार एंड किचन, तो रास्ता नैरो है बट इट्स फाइन। अब यहाँ पे आपको यहाँ पे आना है पहले उड्डो सनसेट बार एंड किचन रेस्टोरेंट के पास, और वहाँ से आपको जाना है एक लेफ्ट और राइट आता है, तो आपको याद रखिए जहाँ पे उड्डू सनसेट बार एंड किचन है वहाँ से आपको आगे जाना है। और ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है वहाँ पे लेफ्ट में, वाव दैट लुक्स प्रीटी। सो आई थिंक हम लोग ऑलमोस्ट 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 पहुँच चुके हैं बीच तक इन द नैरो लेन। जैसे यहाँ पे काफ़ी लोग कार लगा के खड़े हैं, सो आई थिंक वी कुड पार्क अ कार हियर। यहाँ से एक अपने पास पॉइंट है। हम पहुंच चुके हैं बीच, ये है वाव दो क्या भागा है। दिस इज द वन सैंडी अपने फेमस छाते के साथ जो पूरे गोवा में पॉपुलर है। तुम्हारा फेवरेट? हाँ, मेरा फेवरेट एक लौता और वर्ल्ड का ओनली कलरफुल छाता। वेलकम आउट। वाव वेव्स, थैंक यू फॉर द वार्म वेलकम। तो ये हो गया एक तरीके से एक प्राइवेट बीच। हां नाइस। आई वाव What's your name? Yeah. Thanks for Uddo, right? Uddo, like. Thank you. Well, finally हमने सही pronunciation सीख ली, वरना अपने मन से उड्डो उड्डू उड्डू कुछ भी बोल रहे थे। See, this is like a private beach. काफी लोगों को इस बीच के बारे में नहीं पता। This is the Uddo beach. आई होप मैं इसका सही प्रोनाउंसिएशन कर रहा हूँ, बट लुक एट दिस, इट्स मोर लाइक अ प्राइवेट प्लेस। एंड ये जो बीच है, ये जो जगह है, इट्स नोन फॉर इट्स ब्यूटिफुल सनसेट व्यूज़। जी हाँ, बहुत ही पॉपुलर है, यहाँ पे काफ़ी लोग आते हैं स्पेशली टू एक्सपीरियंस द सनसेट। आप आइए यहाँ पे, आराम से अपनी कार लगा दीजिए, बैठिए आराम से, एंड देन जैसे हमने अपनी कार यहाँ पे लगाई है, एंड देन जस्ट सिट देयर एंड एक्सपीरियंस द सनसेट। लुक एट दैट, लुक एट द ब्यूटीफुल व्यू। और आप देखिए पानी कितना पास तक है यहाँ पे, और जैसे मेरे साथ हुआ था अंजुना में, हो सकता है पीछे से वेव आके मेरे को गीला कर दे जैसे अभी बता रही है। यार सोच रहे क्या मैं जाके स्विम करूँ, ये सोच रहे हो आप? मैं सोच रही हूँ वो कब इधर आएगी और कब मैं उसके साथ जंप करूंगी। कोऑर्डिनेटेड जंप। बाकी सब चीज़ें तो बहुत बढ़िया है, बस एक ही चीज़ है, आप देख सकते हैं पानी में काफ़ी सारे प्लास्टिक बॉटल्स, दारू की बॉटल्स फेंकी गई हैं, तो ये मत कीजिएगा। बट आपने बोला आ जाओ ऊपर आ जाओ। उस साइड पे तो काफ़ी सारे अभी ऑलमोस्ट अंडर कंस्ट्रक्शन है। हाँ, लेकिन ये बैरिकेडिंग जो है ये सारा अभी बनाया गया है।
I love this. Yeah. Private viewing beach. Right? मेरे नीचे यहाँ पे किसी ने कांच की बोतल फोड़ दी है, ऑब्वियसली दारू की बोतल है. अपार्ट फ्रॉम दीज थिंग्स, व्हाट अ ब्यूटीफुल व्यू. वाओ. सो हम काफ़ी सारे बीचेस गए हैं इन दिनों, एंड दिस हैज़ टू बी अ वेरी डिफरेंट प्लेस. मैं उसको कंपेयर नहीं करूँगा बिकॉज हर एक बीच की अपनी एक खूबी होती है, बट दिस इज अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस. और स्पेशली जितना क्वाइट यहाँ पे और जो कमर्शियलनेस नहीं है यहाँ पे, वो बहुत ही एक डिफरेंट फीचर है इस जगह का. और स्पेशली जैसे मेरे पीछे पानी आया और जैसे अंजुना ने मुझे इसी पानी ने गीला किया था, यहाँ पे भी धीरे धीरे मुझे पीछे से आके ऐसे धक्के मार रहा है. बट मैं नहीं हिलने वाला बॉस, मैं नहीं हिलने वाला यहाँ से. कौन हिला के दिखाएगा मुझे. आई थिंक इट्स अ प्लेस दैट यू शुड विजिट वंस. और अगर आपको बीच पसंद है, आप सारे पॉपुलर बीच जाते होंगे, बट यहाँ पे ज़रूर आइएगा एक बार. स्पेशली ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सनसेट, आई थिंक विल हैव अ ग्रेट टाइम. और मानसून में तो दिस लुक्स सो ब्यूटिफुल. काफ़ी देर से मैं इंतज़ार कर रहा हूँ एक बड़े वेव का जो पीछे से आए और मैं उसको कैप्चर कर पाऊँ. ये था, लेकिन इतना बड़ा नहीं था. मैं इंतज़ार कर रहा हूँ एक आए ऐसे बहुत मस्त मेरे ऊपर से पूरा पानी जाए. दैट वुड बी एपिक, बट आई एम जस्ट वेटिंग. आओ ना यार, थोड़ा डर गए हैं मेरे से. ये जो समंदर है मेरे से डर गया थोड़ा. फिर लास्ट टाइम मैंने वहाँ पे कौन पे वागत और बीच में नहीं, अंजुना में पानी को रुका दिया था, डरा दिया था. बट आई होप अभी आए. इट्स ओके, चिल, आई वोंट डू एनीथिंग, प्लीज़ कम. नहीं यार, बहुत सहम गया है. इसको मैं थोड़ा सा समझाता हूँ, मैं इसे ना डरे, वेव्स बड़े करता हूँ और फिर मैं आपसे बातें करता हूँ. ओके, सो बेसिकली आप मुझसे कम्पीट कर रहे हैं, राइट? क्योंकि मुझे इतना अच्छा वेव मिला. वार्म वेलकम, तो इट्स योर कॉम्पिटिशन. गो फॉर इट, गो फॉर इट. वेव्स मेरे साथ हैं. आपके साइड ही आता है हमेशा. बोला था सैंडी ये उठाने वाली थी, फिर सैंडी ने रियलाइज किया नहीं 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 ये उठाने से. बट आई कैन से शेली सेल सी शेल्स ऑन द सी शोर. टंग ट्विस्टर, ये टंग ट्विस्टर. दोनों थोड़ी देर वॉक करते हैं, वॉक करते करते आगे चलते हैं. क्या बोलते हो सैंडी? अच्छा बोलते हो? अच्छा बोलता हूं, अच्छा बोलते हो? हिंदी बोलता हूं. तो ये जगह जो है अभी उन्होंने इतना अच्छा बनाया है, बिल्कुल वॉक. इट्स सीमेंटेड, पहले नहीं था, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता. लग रहा है अभी अभी बना. अभी ये ना थोड़ा ज्यादा जोश में आ गया पानी. क्यों, आपने बोला ना आज? हाँ आ जाओ आ जाओ. तो अभी सीरियसली मैं जूते बूते नहीं चला गया, इतना जोश में आ गया. हाँ अब देखो ना, यहाँ पे सब बाहर तक आ गया सारा. है ना, सब जमा हो गया. मेरे सॉक्स गीले कर दिए इसने. और जैसे ही कैमरा ऑन करता हूँ तो आता नहीं है इतना. समंदर माय फ्रेंड, चीजें बहुत अच्छी लगती है. एक आप सैंडी, हाँ जी, एक वो पीछे बैकड्रॉप में कार. वाह कितनी अच्छी लग रही है. भी ऐसे ऐसे लग रहा है कार बैठ के ना सनसेट देख रही है. अभी आएगा आएगा. डायरेक्ट लाइक एन ऑर्केस्ट्रा. जी ये नहीं पता कि यहाँ पे सैंड थी, क्योंकि मैंने फोटोज में तो देखा था थोड़ी सैंड होती है यहाँ पे. तो हो सकता है हाई टाइड की वजह से पानी बहुत आगे आ गया, इसलिए सैंड नहीं दिख रही है. बट नॉर्मल टाइम्स में हो सकता है आप अंदर भी जा सकते हो, रेती वेती हो और फिर वहाँ पे पानी आगे शुरू होता हो. बट नो मैटर वॉट, दिस इज अमेजिंग. एंड आई फील नो, आप गोवा आते हैं कई बार फॉर दैट क्वाइट, अनलेस यू आर हियर फॉर पार्टिंग. तो इफ़ यू वॉन्ट एक्सपीरियंस दैट क्वाइट, देन दिस इज़ अ ब्यूटिफुल प्लेस टू कम, राइट बाय द सी एंड जस्ट सिट एंड टॉक. क्या बोलते हो? And especially also early morning walks. Yeah. Right? Early morning walks, your early morning running. हाँ सुबह सुबह. Up for it? कल आ रहे हो मेरे साथ? चलो. कल सुबह सुबह आके भागते हैं यहाँ पे 6 बजे. थोड़ी देर हम सनसेट को ब्रेक दे रहे हैं और यहाँ पे वॉकिंग कर रहे हैं. बट दिस इज ऑल्सो गुड वॉक, राइट सैंडी? सो सनसेट को हमने थोड़ा सा ब्रेक दिया, हमने सोचा यहाँ पे वॉक करते हैं. सच अ ब्यूटीफुल प्लेस टू वॉक. और ऐसा एक्सपीरियंस रास्ते के बीच में वॉक करने का बहुत कम जगहों पे मिलेगा. सो दैट्स द वे. अब हम यहाँ से चलते चलते जाएंगे 6-7 किलोमीटर आगे और सीधा मुंबई पहुँच जाएंगे. तो मेरे जिजित्सु कोच वो भी है, यहीं पे रहता है आसपास सियोलिम में. तो मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे सुबह सुबह जिजित्सु कोच के साथ आ जाऊँ और थोड़ी बहुत रनिंग करता रहूँ. बाय सैंडी, आई सी यू इन द क्लासेस. शायरी नहीं है. रोड के बीचों बीच, समंदर के किनारे, करण के सहारे. वाह मेरा सारा खेलो.
नेचर के किनारे। क्या बकवास शायरी की है दीदी आपने। लेकिन जो दिल से निकला वो मैंने शेयर किया। वाह वाह, मेरे पास ना अल्फाज नहीं है, है ना? हाँ, इतनी अच्छी शायरी सुनने के बाद अब मैं क्या बोलूं? मेरे पास भी अल्फाज नहीं है। नहीं नहीं, आपके पास बहुत है। शायरी किया तुमने। आपके पास बहुत है। क्या क्या बहुत है? अल्फाज। और मेरा सहारा। हाँ। वाह। I like it. You like it? अब देख सकते हैं वहाँ तक अभी काम चल रहा है, यहाँ पे जो डिवाइडर लगा रहे हैं उसका वहाँ पे आगे काम चल रहा है। तो जैसे मैं बताया था, ये मुझे लगता है बहुत ही रीसेंट ये इन्होंने बनाया है, और वहाँ तक आप भाग भाग के जा सकते हैं और वहाँ से आप सीधा समंदर देख सकते हैं। सो आई थिंक दिस इज़ ब्यूटिफुल, नाइस। लेकिन हम सही समय पर आ गए, हमको सही जगह पर पार्किंग मिल गई। वैसे तो खैर यहाँ पर इतनी भीड़ है नहीं, पार्किंग स्पेस काफ़ी है, बहुत कम लोग हैं। तो दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस प्लेस, इट्स अ वेरी सीक्रेट प्लेस, किसी को बताइएगा मत, ये आपके और मेरे बीच की बात है। इस जगह के बारे में ज़्यादा लोग जानने नहीं चाहिए, वरना सब यहाँ पे आएंगे तो इसका मज़ा आउट हो जाएगा। तो ये हमारे दोनों के बीच की बात है, इट्स अ डील, इट्स अ सीक्रेट। सैंडी, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे भी बहुत सूट भी करता है। काफ़ी लोगों पर कैप अच्छी नहीं लगती मेरे को छोड़ के। लेकिन आप पे अच्छी लगती है। ये जो कैप पे जो लिखा है ना, दैट्स द बेस्ट। ये देखिए, सैंडी एंड करण की सब्सक्राइबर आई हैं। हाय। इन्होंने हमको, हाँ, इन्होंने हमको यहाँ पे देखा और बोला हाय, मैं भी आपके वीडियो में आना चाहती हूँ। और इन्होंने हमसे कैब भी ले ली। थैंक यू फॉर द कैब। यू आर वेलकम। आएगा ये, अभी आप आए हैं तो आएगा कहने पर। जी बिल्कुल आएगा, लेकिन आप ही इधर आ गए। देखो, सम सपोर्टिव। हाँ, सब कुछ बहुत ही अच्छा हुआ, ये जगह बहुत अच्छी है, सब कुछ बहुत अच्छा है। बस एक ही कंप्लेन है मुझे कि जब सैंडी यहाँ पे होती है तो वेव्स बहुत बड़े बड़े आते हैं, जब मैं यहाँ पे आता हूँ तो वेव्स आते ही नहीं है, पानी आराम से नीचे बैठा रहता है। हाँ, गुड गुड, दैट्स व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट। कम ऑन ट्राई वन मोर हायर। बट ये होगा तो मेरा शॉट कितना अच्छा लगेगा, वरना आप सिर्फ सैंडी के शॉट देखेंगे जहाँ पे पानी पीछे। बट दैट बीइंग असाइड, आई थिंक इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस एंड प्लेस वेयर यू कुड कम for a really good quiet time, if that's what you're looking for. All the places that I've been looking for to find that quiet time, then this would be at the top of my list now. लेकिन याद रखिएगा, इस जगह के बारे में किसी को बताना मत, ये हमारा सीक्रेट है, वरना यहाँ पे भी बहुत भीड़ हो जाएगी। सो लेट्स कीप दिस अ सीक्रेट। मैंने कन्फर्म भी कर लिया, मैंने पूछा तो यहाँ पे सैंड होती है, आज हाई टाइड की वजह से यहाँ पे सैंड नहीं है, वरना सैंड होती है आप अंदर तक जा सकते हैं यहाँ पे अंदर तक। And you know, then you could, it's a proper beach. But अभी ऐसा लग नहीं रहा होगा because you can't see the sand because of the high tide. कितना अच्छा है ना, but just कि कितने सारे plastic bottles. Yeah. अगर यहाँ से हर कोई अपने घर अपने bottles अपने घर लेकर जाएं और यहाँ ना फेंके. Beach will be more beachier, better. और जैसे जैसे सनसेट का टाइम पास आ रहा है, यू कुड सी नो लॉट ऑफ बाइक्स, लॉट ऑफ पीपल कमिंग इन टू एक्सपीरियंस द सनसेट। आई थिंक ये सबको पता होगा आसपास वालों को कि यहाँ पे ये टाइम पे सनसेट होता है, तो चलिए ये टाइम यहाँ पे जाते हैं, बीच जाते हैं। और अब देखेंगे, आज सबसे बेस्ट चीज़ ये हुई है कि आज बारिश थम गई है, तो जैसे हम घर से निकले उसके बाद बारिश बिल्कुल रुक गई। बारिश ने बोला गो हैव अ ग्रेट टाइम, वी आई वोंट बॉदर यू टिल यू एक्चुअली शूट, एंड देन वंस यू आर डन विद दैट आई विल स्टार्ट पोरिंग। और अभी वहाँ पे भी लग रहा है, वहाँ पे देखो, वहाँ पे एकदम आगे बारिश ज़बरदस्त हो रही है, पर अभी दो घंटे से बारिश नहीं है। एंड द गॉड ऑफ वेदर्स, थैंक यू, ग्रेट जॉब। सनसेट का ऑलमोस्ट टाइम हो चुका है, आई थिंक 20-30 मिनट में सनसेट होगा, और आज हमको मौका नहीं मिला हमारा वर्ल्ड फेमस छाता यूज़ करने का, जो गोवा का सबसे बड़ा छाता, सबसे कलरफुल छाता है। तो इट्स नॉट रेनिंग दैट बैड टुडे इन गोवा, अगर आप प्लान कर रहे हैं आने का, इट्स अ ब्यूटीफुल टाइम टू कम टू गोवा। इतनी भीड़ नहीं है, इट्स नॉट वेरी कमर्शियल, एंड द वेदर इज़ अमेजिंग, इट्स नॉट हॉट। ये मुंबई से हम भाग के आए, वहाँ पर इतनी गर्मी थी, हियर इट्स वेरी प्लेजेंट, एंड आई एम फाइनली गेटिंग टू यूज़ माई अम्ब्रेला विदाउट रेन्स। अब लिया है तो इसको यूज़ करेंगे, बट आई एम श्योर शाम को बारिश होगी, इट वॉज रेनिंग इन द मॉर्निंग, बट द वेदर टुडे इज़ ब्यूटिफुल। आई थिंक अब यहाँ से चलते हैं, अब सैंडी हमको कॉफ़ी पिलाएंगे कहीं पर। बहुत से सैंडी, चलो, ये आपका छाता आपके लिए। ऑफ कोर्स, चलिए कॉफी विद करण। इट एक्चुअली लुक्स बेटर ऑन यू। टर टर टर। ओके, ला ला ला। जाने से पहले एक बार और कोशिश कर रहा हूँ कि मैं खड़ा हूँ तो वेव्स ऊपर तक आए। प्लीज वंस, कम ऑन, लेट्स डू दिस। नहीं आ रहे हैं, बहुत छोटे छोटे वेव्स हैं। सो दैट शुड बी द रैप फ्रॉम हियर, नॉट द रैप ऑफ द व्लॉग। व्लॉग अभी बाकी है मेरे दोस्त, बट द
दिस वॉज सच अ ग्रेट टाइम, आई होप यू गाइज एंजॉय दिस. याद रखना है जगह के बारे में ज़्यादा लोगों को बताना मत, इट्स आर सीक्रेट. कितना प्यारा लग रहा है, कितना प्यारा लग रहा है, जस्ट अमेजिंग हाउ दिस इज, जस्ट अमेजिंग, लुक्स ग्रेट. स्पेशली मुझे अपनी कार बहुत अच्छी लग रही है ऐसे. आप देख सकते हैं यहाँ पे जो सीमेंटिंग के काम है, आप आगे आगे भी देखेंगे यहाँ पे सारा काम चल रहा है. तो ये सारी बैरिकेडिंग का काम अभी भी चल रहा है, बट मज़ा आया. एंड लुक एट दिस, अभी आगे कितना प्यारा लग रहा है. रास्ते नैरो हैं बट रास्ते अच्छे हैं, खड्डे बिल्कुल नहीं हैं. तो मैं एक टाइम सोच रहा था कि यहाँ पे क्या मैं BMW लेके जा सकता हूँ, क्या रास्ते कच्चे होंगे वगैरह वगैरह, बट एवरीथिंग लुक्स ग्रेट. अभी आप देखिए यहाँ पे भी काम चल रहा है, ये सारा सीमेंटिंग का, बैरिकेडिंग का. एंड दिस इज द क्रॉस, जो एक लैंडमार्क है इस बीच का, यहाँ से एक्चुअल एंट्री है. अभी तो खैर पास आप रेत ही नहीं देख पा रहे हैं हाई टाइड की वजह से, वरना वो एक फर्स्ट एंट्री पॉइंट है. और अब हम वापस जा रहे हैं. ये है सियोलिम में हमारी एक सीक्रेट जगह जो हमने आपके साथ शेयर की. ग्रेट रोल्स, ऑल गुड. तो जैसे आप बीच से निकलते हैं, रास्ते में ये जगह आती है. बीच से लगभग 4 मिनट या तीन चार मिनट दूरी है. आप देखिए यहाँ पे कितना प्यारा है. और यहाँ पे आप आराम से कार साइड में लगा के बेंच पे बैठ सकते हैं. मैं देखता हूँ अगर मुझे पार्किंग मिली अच्छी तो मैं भी ऐसे कार को साइड में लगा के बेंच पे बैठ जाऊँगा. तो ये है वो जगह, बीच से लगभग 2 मिनट के रास्ते पर ही है जगह, है ना. एंड दिस प्लेस लुक्स ब्यूटिफुल. यहाँ पे आराम से बेंच पे बैठ सकते हैं. सामने द व्यू इज़ ऑल्सो नाइस एंड वेदर जो कि बहुत ही अच्छा है. हम यहाँ पे एक्चुअली याद है आपको सांडी पहले आ चुके हैं. हम यहाँ बैरे बैरे करके, हाँ हमने, हाँ यहाँ पे शूट किया था एक बार, बैठे करके आ रहे हैं. और वो सामने जो है वहाँ पे इज द टेम्पल, मंदिर है वहाँ पे. और हमारी कार यहाँ पे पार्क की गई है. एंड दिस इज हाउ द प्लेस लुक्स. नमस्ते सैंडी, कैसे हैं आप. और यहाँ से आप देख सकते हैं ऐसा है कुछ नज़ारा. गोवा में काफ़ी सारी ऐसी जगहें हैं जो बहुत ही पीसफुल हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल हैं, सीनिक हैं, जहाँ पे ज़्यादा भीड़ भाड़ भी नहीं होती है. यू कैन गो टू दीज प्लेसेस, मेक दीज प्लेसेस योर ओन एंड हैव अ ग्रेट टाइम. यहाँ पे द ट्रैफिक इज़ ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट. देखिए यहाँ पे कोई नहीं, यहाँ पे कोई नहीं. और अब हम जाते हैं, सैंडी जाम को कॉफ़ी पिलाएगी. कॉफ़ी का प्लान होगा सैंडीज बेस्ट कॉफ़ी. जैसे मैंने आपको पहले बताया सैंडी मेक्स द बेस्ट कॉफ़ी इन द वर्ल्ड. तो हम वहाँ पे जा रहे हैं सैंडीज कैफ़े. तो आज हम घर जल्दी वापस आते हैं क्योंकि कल हम प्लान कर रहे हैं साउथ गोवा जाने का अर्ली मॉर्निंग. और हम listen, अगर listen, अगर उठे listen. तो जी हम प्लानिंग हाँ. वो भी बोल रही है मैं भी चलूँगा. आई लव, ओह माय गॉड, हाय सुपरमैन, सुपर गर्ल, लव. ये देखिए, ये देखिए, आप ये ढूंढ किसको रही है. नहीं, मैं ये देखिए, जैसे ही हम घर पहुंचे और घमासान बारिश फिर शुरू हो गई. मौसम हम पे आज बहुत मेहरबान थी. जब हम बाहर गए तब बारिश थम गई 2 घंटे के लिए, और जैसे ही वापस आए बारिश घमासान शुरू. और सुबह भी इतनी बारिश हो रही थी तो एकदम सही टाइम था. थैंक यू वेदर गॉड्स.